ये देखिए हमने कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डाले हैं बड़े चम्मच से देखिए, और इसमें देखिए हमें तेल जो अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें कटी हुई लहसुन डाल देते हैं। और लहसुन को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं जब तक कि सुनहरी ना हो जाए। ये देखिए लहसुन जो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, उसके कच्चे पानी जो निकल गया है, इसमें अब हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। देखिए इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। हो गया, इसमें अब हम सूजी डाल देते हैं। ये मीठा लग रहा। हम चला लेते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम हल्दी गुंडी डाल देते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल के अच्छी तरह से हम पका लेते हैं, भून लेते हैं। देखिए हम पानी डाल के इसको भून लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, एक बर्तन पे निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंड हो जाएगा तो इसमें हम आलू को उबाल के रखे हैं। देखिए आलू को अच्छी तरह से हम मत दिए हैं, इसको इसमें मिला देंगे। ये देखिए ठंडी हो चुकी है अच्छी तरह से, इसमें अब हम आलू है जो आलू डाल देते हैं। अब इसमें हम आलू डाल दिए हैं, इसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। देखिए इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल दिए, ज़्यादा नहीं डालते। अब इसको सबको अच्छी तरह से हम एक डो तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिए हैं। अब इसकी हम गोल गोल कटिंग कर लेते हैं इसी तरह। अब इसकी छोटी छोटी साइज है जो छोटे सांचे से इसको कर लेते हैं। ये देखिए अब इस साइड से निकाल लेते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए टूट गई है, चलिए किसी और निकाल के दिखाते हैं। इसी तरह से उसमें सारे हम कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह हम सारे बेल करके हम तैयार कर लेते हैं गोल गोल करके। चलिए हम नेक्स्ट इसको बेल लेते हैं इसी को हम।
इसी तरह हम सारे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह निकाल लिए, इसी तरह सारे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सारे इसको रेडी कर लिए इस तरह गोल गोल काट के। अब इसको हम चलिए तेल में फ्राई करते हैं, आई मीन तलते हैं। देखिए हमने इसमें ऑयल डाल दिए हैं, एक एक करके मीडियम आंच पे ये तल लेते हैं, एक एक करके ही तलते हैं। एक आ गया। देखिए इसको धीमी आंच में तल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये है जो ऊपर आ गई है तेल का, यानी कि ये पूरी तरह से पक गई है। इसको थोड़ा ब्राउन रेड कर लेते हैं। देखिए इस तरह देखिए तल गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, नेक्स्ट अब दूसरी बार डाल देते हैं। देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम तेल करके निकाल लेते हैं। देखिए इसे बर्तन पे निकाल रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट दूसरी बार भी डाल लेते हैं। ये देखिए हमारी सूजी और आलू की रेसिपी बनके कंप्लीट है। खाने में बहुत टेस्टी अम्मी लगती है, एक बार ज़रूर आप ट्राई मारें।